नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के शव गृह से। आप देख सकते हैं जो करनाल जो है घरुंडा विधायक हरिविंदर कल्याण पहुंचे। कल बीजना गांव में जो हादसा हुआ था उसको लेकर परिवार को सांत्वना देने के लिए यहां पर पहुंचे। परिवार के तमाम सदस्य यहां पर मौजूद हैं और देख सकते हैं उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जो कार्रवाई है वो कार चालक के खिलाफ वो करी जाएगी। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो घरुंडा के विधायक हैं हरविंदर कल्याण, वो यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार वालों के पास। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर देना। कल एक दुखद जो घटना घटी थी जो है बीजना गांव के पास, एक गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर द्वारा दो बच्चों को कुचल दिया गया था। दो बच्चों की उसमें मौत हो गई थी और दो की जो हालत थी गंभीर थी। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अब परिवार को सांत्वना देने के लिए जो है नहीं कोई नहीं, तो बैठे यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से मदद जो होगी वो तो कोई बात नहीं, तो यहाँ बैठे तो ठीक है। हाँ ठीक है भाई जी, हम पोस्टमार्टम हो जाएगा, एम्बुलेंस वगैरह कर लिया, यहाँ से भेजने लग रहे। भेज दिया आपको मैंने, वो हर तरीके से साथ है। अब तो हमारा पुराने से भी बहुत दिन आगे बीजना है, पहले संभालखा है, बीजना है, अड्डों पे हर हाल में वहाँ पे जो है ना ये होने चाहिए, अपने स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, इसकी तुरंत करवाओ, इनको करवा के और मुझे फोटो भिजवाओ वहाँ की, करो करवाना। और आगे अगले गांव भी देखो जो उनसे भी, इस रोड पे गांव है। और डेड बॉडी इनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। इसमें हमने FIR दर्ज कर दी थी और आरोपी की तलाश की जा रही है। गाड़ी कब्जे में ले, आरोपी कहाँ का बताया जा रहा है? आरोपी यहीं करनाल का ही बताया जा रहा है। करनाल का ही? हाँ। गाड़ी तो फरीदाबाद नंबर थी। हाँ गाड़ी फरीदाबाद की है, लेकिन वो ट्रांसफ़र हुई। तो सर पुलिस का जो साइन था वो वेरीफाई हुआ है सर? हाँ अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। कितने बच्चों की मौत? दो बच्चों की मौत होगी। किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं उनके शवों को यहाँ से देख सकते हैं ले जाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं परिवार के सदस्य, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे दोनों के जो डेड बॉडी हैं यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी किस प्रकार से देख सकते हैं दुखद समाचार था कल रात का, आप किसकी तस्वीरें आपको दिखाई और देख सकते हैं अब हरविंदर कल्याण देख सकते हैं खुद यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। घरुंडा विधायक हैं हरविंदर कल्याण, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं अब यहाँ पर फिलहाल जो डेड बॉडियों को बच्चों को यहाँ से ले जा रहा है, गाड़ी द्वारा बच्चों को कुचल दिया गया था, जो दो बच्चों की उसमें मौत हो गई थी। जी आपको बता दूँ दो बच्चों की उसमें मौत हो गई थी। फिलहाल परिवार के लोग यहाँ से अब जो बच्चों की डेड बॉडियाँ हैं वो यहाँ से ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उस आरोपी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। सकते हैं जिस प्रकार से कल हादसा हुआ था उसके बाद जो है डेड बॉडियों को यहाँ से ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं हरविंदर कल्याण। घटना है, बच्चों दो बच्चों की मौत भी हो चुकी है, दो सीरियस है, क्या कहेंगे दुखद घटना? नहीं बिल्कुल दुखद घटना है और परिवार के बच्चे इस तरीके से हादसे में जाना इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। और ये कहीं ना कहीं लापरवाही है सड़क पर चलने वालों की, और मैं तरह की लापरवाही ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और जो परिवार इस तरीके से उजड़ जाते हैं, तो सड़क पे चलने वाले सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो स्पीड पे भी कंट्रोल करें और इस तरह के हादसे ना हो, उस बात की सभी को चिंता करनी चाहिए। कार्रवाई लगातार इस तरह से दर्दनाक हादसे बढ़ते जा रहे हैं, आर्थिक मदद भी की जाए गरीब परिवार की कोई ऐसा? नहीं हर तरीके से हम परिवार के साथ हैं और जिस तरीके की भी उनको जरूरत होगी हम हर तरीके से परिवार के साथ। लगता नहीं वापस स्पीड ब्रेकर वगैरह होने चाहिए? मैंने अभी PWD विभाग के अधिकारियों को बोला है कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर वगैरह उस सड़क पर लगाए जाएं, क्योंकि सड़क अभी वो बड़ी बनी थी
और उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर भी गाड़ी लगाई, पुलिस के स्टिकर भी लगे हुए हैं, ऐसे में कार्रवाई जरूर करवाई जाएगी सर। देखिए उस बारे में तो मैं नहीं जानता, पर पुलिस उसमें पूरी अपनी कार्रवाई करेगी और जिसकी भी गलती है उसकी जिम्मेवारी फिक्स होगी। आर्थिक मदद के लिए नहीं, हम हर तरीके से परिवार के साथ हैं, जो भी सहायता परिवार को चाहिए होगी हम साथ हैं। लोग सर टोल बचाने के चक्कर में वहाँ ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस पर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए टोल की वजह से जरूर ट्रैफिक दाएं बाएं से निकलता है, उस कारण से जितनी साइड की सड़कें हैं, जो गरुंडा में टोल है उसके दोनों तरफ, यमुना की तरफ की सड़कों में भी ट्रैफिक बहुत रहता है और ये दूसरी पश्चिम साइड की भी जो सड़क है उस पर भी ट्रैफिक बहुत रहता है, पर उसमें ट्रैफिक को क्योंकि रोका नहीं जा सकता, कोई भी किसी सड़क से जा सकता है, पर उस कारण से ग्रामीणों को दिक्कत जरूर होती है। हैवी व्हीकल अवॉइड होने चाहिए उन सड़कों पे जाने। जिस प्रकार से आपको तस्वीरें दिखाई, गरुंडा के विधायक थे जो हरविंदर कल्याण, वो यहाँ पर पहुँचे थे, परिवार को जो है आर्थिक मदद जिस प्रकार से भी वे मदद चाहेंगे वो देने के लिए तैयार है। उनका यही कहना है कि उस रोड पर जो वाहन है तेज गति से जरूर चलते हैं, वहाँ पर अभी जो आदेश दे दिए गए वहाँ पर आज के आज जो स्पीड ब्रेकर हैं वो बना दिए जाएंगे, ऐसा जो है गरुंडा के विधायक जो हरविंदर कल्याण थे वो मौके पर पहुँच कर बताते हुए नजर आए। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।